एकता का इफ्तार रामापुरा की जानिब से जो आज इफ्तार प्रोग्राम रखा गया है एशिया यूनियन की तरफ से, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ 2018 में कुछ शहर पसंदों ने हमारे दोनों वार्ड का नाम ख़राब करने की कोशिश की थी, इसलिए हमने इसमें सभी भाइयों ने सपोर्ट करे, ख़ास करके हमारे नॉन मुस्लिम भाई और दलित भाई, मुस्लिम भाई और ये पूरी नवापुरा ऑटो यूनियन, ये सब ने काफ़ी सब ने सपोर्ट किए और एक अमन का और एकता का पैगाम दिए हमने, क्योंकि हमारे दोनों वार्ड काफ़ी का नाम ख़राब हो चुका था और हमने ये मैसेज सबको दिए। कितने सालों से कर रहे हैं आप ये? हम तकरीबन 2019 तक करे, उसके बाद लॉकडाउन की वजह से ये रोक दिया गया था। इंशाल्लाह यहाँ से तकरीबन जब तक हयाती हम जिंदा रहेंगे जब तक करते रहेंगे। जनता आपको भावी नगर से के रूप में भी देखना पसंद करिए, क्या कहेंगे? अरे आप ये पॉलिटिक्स का सवाल ना, ये सब भाई लोग इसका जवाब देंगे, मैं तो नहीं दूंगा, क्योंकि ये दावत अलग थी और क्वेश्चन अलग हो जा रहा। तो ये सब हमारे रिक्शा यूनियन वाले क्या बोलते हैं, आप नौजवान हैं और युवाओं को भी ऐसा आगे आके काम करना चाहिए, क्या कहेंगे? आज जो ये राजा बाजार नवापुरा रिक्शा यूनियन की तरफ से 26वीं रमज़ान को हर साल इफ्तार का प्रोग्राम यहाँ रखा जाता है, इस इफ्तार के प्रोग्राम में इस मोहल्ले के सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को बुलाकर एक रमज़ान का पाक महीना, इसका मैसेज इस मोहल्ले में देने के लिए यहाँ के रिक्शा स्टैंड के सभी मेरे नौजवान साथियों ने, ख़ास तौर पे हमारे शफी भाई ने जो मेहनत की, इसके लिए मैं उनका लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। हर साल की तरह इस साल भी और आने वाले साल भी इंशाल्लाह बड़े पैमाने पर हम ये हिंदू मुस्लिम एकता का भाईचारे का मैसेज देने की कोशिश करेंगे।